जय श्री राम। अपनी वास्तविकता पर नियंत्रण करने की इच्छा महसूस की है? खैर, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप हमेशा रोते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है किसी भी ज्ञान का, कोई फायदा नहीं है किसी भी किताब का, कोई फायदा नहीं है किसी भी मंत्र का, और कोई फायदा नहीं है किसी भी साधना का। अगर आप उसे समझ ना पाए, अगर आप उसे अपना नहीं पाए, अगर आप थोड़ा सा भी कुछ यहाँ से लेकर गए ना, सिर्फ इतना, हमेशा हर घड़ी अच्छा सोचना, आपको क्या लगता है ये कोई छोटी बात है? हमेशा हर घड़ी अच्छा सोचना, आपको ये छोटी बात लगती है? आपने कभी जूते को देखा है, फीते वाले जूते? मान लो तुम जूते पहनने के बाद फीते बांधना भूल जाओ, कितनी छोटी सी बात है, और तुम बाहर निकल जाओ तो क्या होगा? गिर जाओगे। देखो, एक छोटी चीज अगर आप नज़रअंदाज कर दें तो वो आपको गिराने के लिए काफ़ी है, आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकने के लिए काफ़ी है। इसलिए अगर आप समझ गए हो तो पूरा सुनकर जाइएगा, क्योंकि कोई बात छोटी नहीं होती। कई लोग मानते हैं कि अपने विचारों को बदलकर हम अपनी वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं। आज हम विचार के सिद्धांत का पता लगाएंगे और कैसे एक बार जब आप बदल जाते हैं तो वास्तविकता को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए ये समझने से शुरू करें कि विचार रूप क्या है। विचार रूप मूलतः ऊर्जा है। हमारे पास मौजूद प्रत्येक विचार ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम ब्रह्मांड में भेजते हैं, और विचार का हमारे जीवन में और वास्तविकता पर प्रभाव कोई नया नहीं है। ये प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने एक बार कहा था, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे विचारों में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। मैं ये आपको आज इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, हमारी साधना पूरी क्यों नहीं होती? आप सुनते जाएं, आपको सब समझ आ जाएगा। न्यूरोसाइंस और एपिजेंटिक्स। अब आप सोचेंगे, एपिजेंटिक्स क्या है? एपिजेंटिक्स इस बात का अध्ययन है कि आपके व्यवहार और वातावरण में कैसे बदलाव आ सकते हैं जो आपके जीवन के काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। खैर, मैं कोई वैज्ञानिक या विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो न्यूरोसाइंस और एपिजेंटिक्स के प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर जो डिस्पेजा बताते हैं कि अपने विचारों को बदलकर हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। ये सब लोग बार बार विचारों और वास्तविकता पर ही क्यों बात कर रहे हैं? समझें, ये कोई छोटी चीज नहीं है। थॉमस एडिसन की कहानी पर विचार करें। प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने से पहले वो हजारों बार असफल हुए। प्रत्येक प्रयास को विफलता के रूप में देखने के बजाय उन्होंने इसे सफलता के करीब एक कदम के रूप में देखा, और उनके विचार परिवर्तन ने उनकी वास्तविकता बदल दी। यही तो आपको करना है। आप हमेशा साधना में सफलता नहीं मिलने पर हार मान लेते हैं। आप ये नहीं देख पाते कि आपने वो क्या गलती की है जिससे साधना सफल नहीं हो पाई। बहुत छोटी सी बात है, एक बार बैठकर सोचना। क्या आपके पास मोबाइल है? हाँ, सबके पास ही होगा। आपका सब कुछ है आज भाई, उसे एक दिन के लिए अपने से दूर कर सकते हैं? कितनी छोटी सी बात है, दूर करना केवल एक दिन के लिए। यहाँ ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे, नहीं। उसी तरह अपने विचारों को भी अपने जीवन में एक ऐसा स्थान, ठीक वैसा ही स्थान जैसा आपने मोबाइल को दिया है, जीवन बदल जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, हर साधना सफल हो जाएगी। यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ जिनकी मदद से आप अपने विचारों को बदल सकते हैं और अपनी वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं। हर क्षण में उपस्थित रहें, मतलब आलस्य को भूल जाएं। प्रतिदिन अपने आप से सकारात्मक कथन दोहराएं, मतलब आप जो साधना कर रहे हैं उसमें सफल हो गए हैं
ये दोहराते रहें। अपने वांछित परिणाम की कल्पना करें, मतलब हमेशा ये ख्याली पुलाव बनाएं कि आप साधना पूर्ण होने के बाद क्या क्या करेंगे। आपके पास जो कुछ भी है उसी के लिए धन्यवाद करने का अभ्यास करें, मतलब रोज सुबह जब आप उठें तो आपके पास जीवन में जो कुछ भी है, चाहे वो दुख हो या सुख, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर सिद्धांत है, केवल इसके बारे में सोचें। अब किसी भी चीज़ के बारे में केवल सोचे नहीं, उस पर कार्य करें, मतलब आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए केवल साधना पर ही निर्भर ना रहें, उसे पाने के लिए कुछ कर्म भी करें। क्या पता उस कर्म के माध्यम से ही आपकी साधना पूर्ण होने वाली हो। देखो है ना कितनी छोटी छोटी बातें हैं, आप इन उपायों को कैसे लागू करते। प्रत्येक दिन कुछ मिनट जागरूक रहना शुरू करें, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें। अंत में अपने लक्ष्यों की ओर कार्रवाई करें। आपको इन उपायों का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? आप इन उपायों का अभ्यास कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक शांत और आरामदायक स्थान उत्तम है। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इन उपायों को अपने जीवन में लागू करने से आप अपने विचारों में और अंत में अपनी वास्तविकता में बदलाव देखना शुरू कर देंगे। मेरी एक बात याद रखें, अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करने की शक्ति आपके भीतर है। अपने विचारों को बदलकर आप संभावनाओं की दुनिया का रास्ता खोल सकते हैं। आप हर साधना में सफलता पा सकते हैं, इसलिए आज ही शुरुआत करें और अपनी वास्तविकता पर नियंत्रण करना शुरू कर दें। यदि आपको ये एपिसोड उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।